આ પ્રોગ્રામના પ્રાયોજક છે નીલકંઠ પતંગ હોટલ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વની આપની સાથે મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતર. આજે બિલકુલ એક એવા વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે વાતો કરવાના છે. કહી શકાય કે બિલકુલ દિલ ફેક ઇન્સાન અને ખાસ કરીને ખુલીને સ્પષ્ટ રીતે બોલવા માટે જાણીતા છે, જેના સૂરોના લાખો કરોડો લોકો ચાહક છે તેવા સુખવિંદર સિંહજી. સુખવિંદરજી, આપકા સ્વાગત હે કાર્યક્રમ. કેસે હો દેવાંગજી? બસ બઢિયા. આપ સબકો મેરા નમસ્કાર, આદાબ, સત શ્રી અકાલ. સુખજી, સબસે પહેલે સવાલ કી, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપ જો અપની ફિલ્મ કે લિયે જો આયા હૈ અમદાવાદ મેં, ફિલ્મ કે બારે મેં થોડા બતાએ. સી મુજે મુજે બહોત ક્લિયર કટ ચાહિયે, વો ટ્રેડિશનલ આન્સર નહીં ચાહિયે, વો થોડા હટકે મૂવી હૈ. નો, મુજે માલૂમ હૈ કે આપ જો ભી બોલેંગે બિલકુલ દિલ સે, વો નોર્મલી એડ વાલી જો પ્રમોટેડ એડ વાલી જો પેટર્ન હોતી હૈ ઉસકે અલાવા દિલ સે કેસી લગી સુખીજી કો યે ફિલ્મ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મેં આપકો યે બતાના ચાહતા હું કે અબ તક કા મેરા સિંગિંગ કરિયર ભી જો હૈ ના જી ઉસમે ડિપ્લોમેસી કભી નહીં રહે, ક્યોંકિ ડિપ્લોમેટિક સેન્સિસ એક એસા વાયરસ હૈ જિસે કરેક્ટ નહીં કિયા જા સકતા, જિસે ખતમ કિયા જા સકતા હૈ. ડિપ્લોમેટિક વાયરસ જો હોતા હૈ ઉસે કરેક્ટ નહીં, વો એરર નહીં હૈ, વો એરર નહીં જિસે કરેક્ટ કિયા જાય. ડિપ્લોમેટિક બાતે જો હોતી હૈ વો એસા વાયરસ હૈ જિસે ડિલીટ કરના બહોત જરૂરી હૈ. તો કુછ કરિયે જો હૈ ઇઝ અબાઉટ દિસ જો મેં અભી કહ કે હટા હું, મેરે અપને પર્સનલ વ્યક્તિત્વ સે બહોત જુડતી હૈ. ઓકે ઓકે, બલ્કિ મેં ઇતના જાનતા હું કે યે ફિલ્મ મેરે લિયે હી પ્લાન નહીં કી ગઈ થી. ઓકે, તો ના હી મેરી પ્લાનિંગ મેં યે ફિલ્મ થી એઝ એન એક્ટર. તો ઇટ સ્ટાર્ટેડ, યે ઇસકી શરૂઆત બહોત એઝ યુઝ્યુઅલ હુઈ, એક ગાયક કે તોર પે સે હુઈ. લેકિન જિસ તરહ સે મ્યુઝિકલી મેં ઇસ ફિલ્મ સે જુડતા રહા और वो जो इनका रेवोल्यूशनरी जो अप्रोच मैंने देखा, स्पष्टता जो मैंने देखी, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ. okay. और कोई एक गाना था इनका, जो एक जो गाना है उसने मेरे को इस फिल्म के सबसे ज्यादा करीब लिया. तो मैंने भावुक होकर इनसे पूछा कि आप लोग जरा नरेट करेंगे मुझे कि आप लोग क्या बना रहे हो. ओके ओके ओके, दैट वाज द थर्ड सॉन्ग ऑफ द मूवी जो मैं गा रहा था एज यूजुअल, जो मैं फिल्म के लिए बतौर गायक. और मुझे लगा कि समथिंग स्पेशल इज गोइंग ऑन, एक मेरे व्यक्तित्व से जुड़ता नजर आया, म्यूजिकली अप्रोच उसकी बहुत स्ट्रांग लगी, एक जो रेवोल्यूशनरी जो उनका पैटर्न था वो बहुत स्पष्ट, नो डिप्लोमेसी, बट अप्रोच अप्रोच में कन्विक्शन बहुत थी. मतलब वो इंप्रेस कर गई आपको एंड यू गेट इन टू इट. हाँ, कट टू कट अगर ये कहें अपन एड फिल्म वाली भाषा में कि देन हाउ इट स्टार्टेड, फिर मैंने इसे सिंसियरली लिया एंड ये बात मैंने आज तक कभी नहीं कही कि मैं जो गाऊंगा, जो गाता था, जो गाया था, उसको ये अवार्ड मिलेगा, उसको ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, कभी नहीं कहा गायकी के दौर करियर में. सुखी जी, खास करके जैसे आपने बताया कि एक गाना आया, बतौर गायक आपको वहां पे साइन किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे गाने आए, आप जैसे जैसे डेप्थ में जाते गए, आपको लगा कि नहीं, कहीं मुझसे जुड़ी हुई ये स्टोरी, और शायद मेकर्स को भी ऐसा लगा होगा कि आई थिंक बाकी किसी और को लेने से अच्छा है कि सुखी जी को ले, तब जाके प्रॉपर जस्टिफाई हो पाएगा ये रोल. शूटिंग के दौरान क्या 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 ऐसी कोई दिक्कत है, क्योंकि बतौर गायक नॉर्मली क्या कॉन्सेंट्रेशन रहता है कि एक सिंगर का बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी गायकी में देना,
जब एक आर्टिस्ट एक्टिंग की बात आती है, मुझे मालूम है कि आप स्टेज शोज में भी इतने लाइव परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर एक कलाकार आत्मा भी बैठा हुआ है जिसको जागने का एक मौका इस तरह से मिल गया। कोई ऐसी खट्टी मीठी यादें शूटिंग के दौरान जो हुई है? एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस फिल्म में जो मेरी हीरोइन है श्रेया, फैंटास्टिक आर्टिस्ट शी इज, शी डू थिएटर्स आल्सो, तो हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने गहरे दोस्त हैं, हम लोग आपस में फन करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, कभी कैरम खेल लिया, कभी मैं एक बार कभी लोहड़ी का त्यौहार आता तो मैं पतंग उड़ाता तो उसको बुला लेता हूँ टेरेस पे, कभी ऐसा कर लिया, कभी ये कभी उसका हाथ देखे ऐसा बताया कि ये क्या करती है, वो क्या करती है, कभी ये कर दिया, कभी बालों पे ऐसा कर दिया, जैसे दोस्तों में कैसे होता है। शूटिंग के दौरान रोमांटिक गाने में मेरे को अपना कोरियोग्राफर डायरेक्टर से कहते हैं कि आपने इस दौरान श्रेया के कंधों पे हाथ रख के उसको गले से लगाना है। आधा दिन बीत गया, मेरे से ये नहीं हो सका, बल्कि हम लोग आपस में इतना मस्ती करते थे फिर भी। हाँ, वो एक पहली दिक्कत मैंने महसूस की, लेकिन वो इतनी इनोसेंट दिक्कत थी कि सब लोग उस बात को बहुत इंजॉय कर रहे थे। नहीं, मुझे 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 बात ये भी करनी है आपसे, रोहतंग पास वाली बात। अरे बाप, जो बहुत ठंडा माहौल था, रोमांटिक गाना था, रोहतंग पास की बात करें जरा। वही, एक तो वहां पर बर्फ इतनी थी कि आपको बता नहीं सकता। उस वक्त मेरे को अटल बिहारी वाजपेयी साहब की किताब का वो टाइटल याद आ गया कि सबसे ऊंचा पहाड़ सबसे ज्यादा अकेला होता है। क्या बात है कि उस वक्त वहां पर ना ऑक्सीजन, एक बर्ड नहीं, जिंदगी तो है नहीं। और मैं प्राउडली कहना चाहता हूं कि हमारे आर्मी के जवान फिर भी वहां पे बैठे हैं। हमको 3 दिन लगे अपना ब्रीदिंग नॉर्मल होने के लिए। एनीवे, ये तो एक देशभक्ति का रुख रहा। तो उस वक्त मतलब ठंड थी जी, मेरे हाथ नीले पड़ गए, पांव नीले पड़ गए, तो मैंने, मेरे को बोले वैनिटी वैन से आप आइए शॉट देना है। मैंने कहा वैनिटी वैन में शॉट ले लो, बाहर नहीं आ सकता, और यहां मुझे कोयला फ्राई करके खिलाओ, खोलता हुआ लाल कोयला। मतलब ऐसा मैं हरकतें कर रहा था जो कि जेन्युइनली मुझे, और इतनी ठंड लग रही थी, मतलब ठंड लग रही है ऊपर से। अच्छा, मेरे से बुरी हालत तो लड़की की, मेरे को तो लेदर पहनाया हुआ, उसको फ्रॉक पहनाया हुआ है, वो बेचारी अलग से। फिर ऊपर से मेरे को बोले कि आप गले लगाओ ये, तो मैंने कहा ये नहीं होगा। तो कहते यार पार्टी वार्टी मित्र मस्ती करते थे तुम लोग, ऐसा नहीं, मैं पता नहीं क्यों अचानक बोलते बोलते भी होठ यूं कांप रहे थे। नहीं, होठ नहीं कांप रहे थे, फिर बात, हाँ, ठंडी की वजह से। बाद में मैं वैनिटी वैन में आके बैठा, तो मैंने कहा कि ये इतना सारा कुछ मैं मीडिया के साथ तो एक्सप्लेन कर सकूंगा, पर जब फिल्म, वंस द फिल्म विल स्टार्ट, तो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा कि ये शॉट इसलिए अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि वहां ठंड थी, ये एंगल पे मैं मुस्कुरा नहीं सका क्योंकि वहां सर्दी थी। मैंने कहा नहीं, लोगों को इससे कुछ नहीं लेना। अगर आप सुखविंदर सिंह, आपने एक्सेप्ट की है फिल्म, आपके व्यक्तित्व से जुड़ती है, आपकी सेंसेस से जुड़ती है, आपका जो सोशल वर्कर माइंडेड है अगर उससे जुड़ती है और आपने एक्सेप्ट की है, तो आप इसे निभाओ। फिर जाके दिल लगा के सिचुएशन कैसी भी थी लेकिन परफॉर्म किया, यहां रोकूंगा मैं आपको। दर्शक मित्रों, समय थयो छे विराम नो, परंतु घनी बधी वातो करवी छे, अंतरंग वातो करवी छे सुखी जी साथे, एक नानकड़ा विराम बाद। जब ट्रॉफी के पास खड़ा की तो ट्रॉफी बड़ी, मैं छोटा, तो मैं रोने लगा। वो कहते आप इस किस बात के लिए रो रहा है, तो मैंने कहा मुझे चॉकलेट चाहिए, क्योंकि ट्रॉफी का ना तब से शौक था ना अब शौक है, या मैं ये कहूं कि मैंने बहुत रियाज किया था, या मैंने बहुत सीखा था, नहीं सीख रहा हूं, रियाज कर रहा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं। मैंने कभी लाइफ में आज तक कोई टारगेट नहीं बनाया। કોઈ છે નંબર વન ની સાથે, કોઈ છે સનસની સાથે, ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે। We'll be right back.
વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં. વાત કર્યા છે આપણે સુખવિંદર સિંઘ સાથે. સુખીજી, 8 સાલ કી ઉમર પહેલી બાર ગાના ગયા, લતાજી વાલા ગાના સારે ગમા પા પા પા. ઓકે, 8 સાલ કી વો પહેલા પરફોર્મન્સ, આપકા સ્ટેજ પરફોર્મન્સ 8 યર્સ ઓલ્ડ કે જબ સુખવિંદર સિંઘજી થે, ઓર આજ કી તારીખ મેં અગર મેં ગલતી નહીં કરું તો સપ્ટેમ્બર 68 આપકા બોર્ન હૈ. નો, 71. 71. વહાં સે લેકે અગર 8 સાલ અગર ગીને ઓર ઉસકે બાદ કા અભી તક કા સફર આપકા, મુજે વો 8 સાલ કે જબ આપ થે પહેલા પરફોર્મન્સ અગર રિકોલ કરે તો કુછ વો મુજે યાદે થોડી ઢોલની હૈ. એક્ચુઅલી વો પરફોર્મન્સ નહીં થા, વો જિદ થી મેરી. મુજે તો થોડા સા યાદ હૈ, જરા સા યાદ ભી આતા હૈ. બાકી જો સિનિયર્સ થે ઉન્હોને એક્સપ્લેન કિયા. વહાં પર એક મ્યુઝિકલ કમ્પિટિશન ચલ રહા થા જિસમે બહોત લાર્જ સ્કેલ પે ચલ રહા થા. ધ સેમ કન્વેન્ટ જહાં પે મેં પઢતા થા તો લાર્જ સ્કેલ પે ચલ રહા થા. ફિર બાદ મેં બેન્ડ આયે થે, ડિફરન્ટ સ્ટેટ સે બેન્ડ આયે થે. તો એક બચ્ચે ને જિદ કી, બબલું ને જિદ કિયા ગાને કે લિયે, ગાને કે લિયે સબને કહા કે યે ધીસ કાન્ટ બી પોસિબલ બિકોઝ ઓફ સચ અ બિગ હ્યુજ લેવલ પે જો ચલ રહા હૈ કોમ્પિટિશન મ્યુઝિક કા, તો ઉસમે હાઉ કેન વી અલાઉ એક છોટે સે બચ્ચે કો કૈસે ચઢા દે. એની વે તો મેને કપડે કુપડે ફાડે, કુછ મોચા મોચા, કુછ રેવોલ્યુશનરી હો ગયા મેં, કુછ કુર્સી વુર્સી ઉખાડ કે કુછ ઘુસ ગયા કહીં. તો ભી તો ઉન્હોને કહા કે યે તો ઇતના કરા કે ફેન્ટ હો જાયેગા યાર. તો ઉઠા કે કન્વિન્સ કિયા કિસી કો, તો ઉન્હોને કહા લેકિન કુછ બચ્ચે કો ઓર ઇતને સિનિયર્સ લોગો કા. તો ઓ બચ્ચે ને ઉધર ગાના ગાયા, અપોર્ચ્યુનિટી મિલી ઓર પબ્લિકલી વો ગાના 6 બાર રિપીટ હુઆ. ઓકે, તો જો વહા મિનિસ્ટ્રી ઓફ કલ્ચર કે ડિપાર્ટમેન્ટ જો થા ઓર મિનિસ્ટર્સ ભી થે, ઉન્હોને કહા કે દેખો હમકો સંગીત કા નોલેજ નહીં હૈ. યે મેં સ્ટેટમેન્ટ તબ નહીં સુન રહા થા, ઉન્હોને બતાયા કે મતલબ કે ઉન્હોને કહા કે મતલબ જબ સે યે કોમ્પિટિશન મ્યુઝિક કા ચાલુ હૈ, કિસી કો ભી આર્ટિસ્ટ કો દુબારા ગાને કે લિયે સેમ ગાના નહીં કહા ગયા. 6 ટાઈમ તો ઉન્હોને વો ટ્રોફી કુછ તો હૈ ઇસ બબલુ મેં, વહાં સે મેસેજ પહોંચા. વો ટ્રોફી મુજે દે દી. જબ ટ્રોફી કે પાસ ખડા કી તો ટ્રોફી બડી, મેં છોટા. તો મેં રોને લગા, કહેતે આપ ઇસ કિસ બાત કે લિયે રો રહા હૈ. તો મેંને કહા મુજે ચોકલેટ ચાહિયે, ક્યોંકિ ટ્રોફી કા ના તબ સે શોક થા ના અબ શોક હૈ. ઓકે, ગ્રેટ ગ્રેટ. ટ્રોફી કા શોક નહીં થા, ટ્રોફી કા થા. ટ્રોફી કા થા. ટ્રોફી કી બાત કરે તો મેરે હિસાબ સે જિસ તરહ સે સુખવિંદરજી ને અપના દિલ લગા કે, મતલબ ઉનકા એક શાયદ પેશન બોલ સકતા હું મેં, ઇટ્સ નોટ હોબી, ઇટ્સ અ પેશન. સિંગિંગ ઇઝ અ પેશન ફોર સુખવિંદર સિંઘજી. એક કે બાદ એક પરફોર્મન્સ દેતે 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 આજ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પે આજ સુખીજી કા નામ પહોંચ ગયા. લોગ સુખવિંદર સિંઘ નામ સે હી તુરંત વો હાઈ પીચ વાલે ગાને તુરંત હી બેઠ જાતા ઉનકે દિમાગ મેં. સુખીજી, કહીં ખિલાફ કી ઉસ ગીત કે બાદ કહીં લગા થા કી કુછ કમી હૈ તો સુખીજી ઇન્ડસ્ટ્રી છોડ કે ફોરેન ટૂર પે નિકલ ગયે થે. નો, આઈ વોઝ ઇન લંડન. લેકિન પ્રિસાઇઝ ક્યા યહી હૈ જો બાતે અભી તક હમને સુની હૈ યા પઢી હૈ કે આજા સનમ મેરી જાન ચલી. ઉસ ગાને કે બાદ ખુદ સુખવિંદર સિંઘજી કો ખુદ કો લગા થા કે કહીં કમી હૈ, એઝ અ સિંગર મુજમે કુછ કમી હૈ ઓર કહીં સુધાર લાના ચાહીએ. ઇઝ ઇટ સો? યે થા નહીં હૈ, હૈ મે ભી હૈ શામિલ. યે મેં સોચતા થા નહીં, આજ ભી મેં સોચતા હું, ક્યોંકિ યે મેં કભી એક્સેપ્ટ નહીં કર સકતા કે મેં યે કહું કે મેને બહોત સ્ટ્રગલ કી, યા મેં યે કહું કે મેંને બહોત રિયાઝ કિયા થા, યા મેંને બહોત સીખા થા. નહીં, સીખ રહા હું, રિયાઝ કર રહા હું, સ્ટ્રગલ કર રહા હું. ઓકે, સ્ટીલ સ્ટીલ એક્સપ્રેશન ચેન્જ હો ગયા સ્ટ્રગલ કા, લેકિન હૈ. ખિલાફ ફિલ્મ કા વો ગાના ઇતના બહેતરીન હૈ કે ફિલ્મ સંગીત જો હૈ ના દો બાર રિલીઝ હોતા હૈ. ફિલ્મ સે જુડા મ્યુઝિક જો હૈ દો બાર રિલીઝ હોતા હૈ. એક જબ મ્યુઝિક રિલીઝ હોતા હૈ, સંગીત રિલીઝ હુઆ, જૈસે કુછ કરીએ ફિલ્મ કા હમ લોગો ને, સંગીત રિલીઝ કિયા હૈ. દૂસરી બાર વો કબ રિલીઝ હોગા? જબ ફિલ્મ રિલીઝ હોગી. ઓર 99% પેટર્ન ઓફ આર ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી જો હમ બોલીવુડ જૈસે હમ લોગ કહેતે હૈ, ઉસકા પેટર્ન ક્યા બેસિકલી કે જૈસે મ્યુઝિક ને રંગ દિખાયા, ફિર ફિલ્મ ને રંગ નહીં દિખાયા તો મ્યુઝિક ભી બેઠ જાતા હૈ. કોઈ એકાદ એક્ઝામ્પલ છોડ દીજીએ, કોઈ એકાદ એક્ઝામ્પલ છોડ દીજીએ, એઝ યુઝ્યુઅલી. અચ્છા, મ્યુઝિક સાધારણ હૈ, ફિલ્મ બહોત ચલ ગઈ, મ્યુઝિક ઉઠ ગયા, તો ઇસકા મ્યુઝિક, ઇસકા મતલબ મ્યુઝિક દો બાર રિલીઝ હોતા હૈ, ફિલ્મ એક બાર હોતી. તો વો વહી હાદસા ઉસકે સાથ હો ગયા.
गाना बहुत अच्छा था लेकिन फिल्म नहीं चली, तो धीरे धीरे नहीं गाना जिन म्यूजिकल लोगों की पसंद आ गया लेकिन मासेस तक वो पहुंचते पहुंचते केक यहां तक आते कहते हाथ से गिर गया। लेकिन मुझे अफसोस नहीं हुआ था, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ था, और मैं किसी और काम में बिजी था। आई वॉज डूइंग मेकिंग एल्बम, तो क्योंकि मैंने देवांग जी, मैंने कभी लाइफ में आज तक कोई टारगेट नहीं बनाया। ओके, जो होता है लाइफ को एज इट इज चलने दो, इसलिए आई डोंट फील माई सेल्फ लूजर एनीवेयर। There is no target. Now, no revolutionary. जो basic जो मैं देख रहा हूँ इस आँखों में, मतलब fire, जो आपने बताया कि 8 साल का था, revolutionary एक दिमाग था, मिजाज था, mood था, कौन ideal है अभी? मतलब बचपन से किस किस को आदर्श मानते हैं? I'm not talking about your संगीत गुरु, no, not at all. जो जो thoughts है, thought process चल रही है, जो दिखते हैं Mr. सुखी जी, उनके पीछे back of the mind जो thought चलता रहता है, कौन है वो जो आदर्श मानते हैं आप जिसको? जैसे हमारे यहां ये पता नहीं चला आज तक कि उग्रवादी कहना किसे है और आतंकवादी किसे कहना है। वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ओके, एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी भी हो सकता है, बट टेररिस्ट नहीं। टेररिस्ट रेवोल्यूशनरी नहीं होता, बट एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है। नाउ माय सेंसिटिव क्वेश्चन टू यू, मैं आफ्टर दिस सेंटेंस, कैन यू जस्टिफाई नक्सलिस्ट एक्टिविटी? सी, वो अभी एक क्वेश्चन मार्क पे है। बचपन से हम लोगों को जो उनके बारे में बताया गया था, मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया था। स्लोली एक ऐसे क्वेश्चन मार्क पे आ गया है कि उस बात के बारे में बात करते भी डर लगता है कि कहीं गलत तो नहीं बोल जाए, कहीं उनकी एक्टिविटी के पीछे जो इंटेंस है अगर प्रॉपर शायद वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है, देन दे कैन कॉल्ड एज अ टेररिस्ट। अभी तक उनको सिर्फ नक्सल कहा गया है, हमने बचपन से सुना है। मेरे को जो अभी आपने कहा था कि कौन है आपके पीछे, ऐसी कौन सी शक्ति जी, है? जी जी जी, ये जो बैग है इसमें लॉर्ड शिवा है। मेरे साथ नहीं जाते, मैं इनके साथ जाता हूं। घर में मेरे जिम के अंदर जो एक समा है, एक जिसे हम मंदिर कहते हैं, दरगाह कहते हैं, मस्जिद कहते हैं, दाता का दरबार कहते हैं जी। भोलेनाथ जी की आरती होती है, साथ में काफी तस्वीरें लगी हैं क्रांतिकारियों की। okay. उनकी भी जो आराधना है, जब थाली घूमती है मंडे को, जब स्नान होता है बाबा भोलेनाथ का, मंडे को उनका स्नान होता है हमारे यहाँ, तो साथ में उस आराधना में वो सब क्रांतिकारी भी शामिल करता हूं। भगवान से हम मांगते हैं तो मिलता है, उन्होंने बिन मांगे दिया है हमें। भगवान बिन मांगे देता है, जानते सब हैं, लेकिन फिर भी पैटर्न है कि हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं ना, या और मांगते हैं प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं। क्रांतिकारियों ने तो वो मौका भी नहीं दिया आपको कि आप हमें मांगे, फंदा लिया, चूमा, शहादत दे गए। भगवान का दर्जा देता हूं, मैं तो देता हूं। मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे यहां रोकना पड़ेगा। एक वक्त का मुझे कंट्रोल, मतलब मुझे सिग्नल दे रहे कि ब्रेक का टाइम हो चुका है। दर्शक मित्रों, खूब इंटरेस्टिंग तबक्का नहीं अंदर बातचीत पहुंची है, परंतु समय था उसे नानकडा विराम। जमी को चीर दे, आसमां को फाड़ दे, जमी को चीर दे, आसमां को फाड़ दे, उसूलों को परवाज दे, मुश्किलें गाड़ दे,
पॉलिटिशियन तो कुत्ते होते हैं, पॉलिटिशियन तो डॉग होते हैं, ये होते हैं, बताए हौले हौले से दुआ लगती है ना, हौले हौले से दवा लगती है ना। કોઈ છે નંબર વન ની સાથે, કોઈ છે સનસની સાથે, ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે। बात फरी एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथि मां असुकी जी। आपने बताया कि क्रांतिकारी, सही में भगवान के साथ आप तो एटलीस्ट पूजते हो, भगवान के बाजू में ही, बिल्कुल उनके बगल में ही उनको स्थान भी दिया है, उनके फोटोग्राफ्स रखे हुए और उनकी पूजा भी करते हो। असुकी जी, पॉलिटिशियंस, अगेन मैं सीधा आ जाता हूं, पॉलिटिशियंस अपने आप को किसी और की शहादत के डिस्ट्रीब्यूटर, कोई और शहीद के डिस्ट्रीब्यूटर बनके आज हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठते हैं, बैठने का दावा करते हैं, उनका नाम लेके वोट लेने जाते, क्या कहना चाहेंगे ऐसे खोखले पॉलिटिशियंस के लिए, क्या सोच है आपकी? आपने एक शब्द बहुत करेक्ट बोला, ऐसे। आपने सिर्फ ये ही नहीं बोला कि पॉलिटिशियंस जो करप्शन करते हैं, जो उन क्रांतिकारियों के रिप्रेजेंटर बन गए हैं, ठेकेदार बन गए हैं, आपने बोला ऐसे, बहुत करेक्ट बोला आपने। अगर हम किसी शख्सियत को हमेशा लानत देते जाएंगे कि पॉलिटिशियन तो करप्टेड होते हैं, पॉलिटिशियन तो कचरा है, पॉलिटिशियंस तो ये है वो है, तो कहीं ना कहीं हम भी गलत करते हैं। मैं विश्वास एक ही चीज में करता हूं कि शब्द बाणों का प्रयोग करो, क्योंकि शब्द बाण से बड़ा वेपन, हथियार कोई नहीं है। है ये भी शब्द बाण, बट एक तरह का शौक भी हो गया है, शौक पैदा हो गया है किसी ना किसी में, किसी अग्रणी जो इंसान है, जो एक संस्था का संस्थापक है या लीड करने का, किसी क्लब का, या शौक पैदा हो गया है, यूं ही टाइम पास करते रहते हैं। पॉलिटिशियन तो कुत्ते होते हैं, पॉलिटिशियन तो डॉग होते हैं, ये होते हैं, व्हाट द हेल इज दिस, कहना क्या चाह रहे हो यार, कहे जा रहे हो। उसी दौरान आप ये महसूस ही नहीं कर रहे कि ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो नेक दिल हैं, देशभक्त हैं, उनको भी आप उसी लाइन में रख दोगे क्या? कैटेगरी करो ना। ओके, फाइन। मेरे हिसाब से हमारे जो व्यूअर है वो एक क्रांतिकारी सुखविंदर सिंह को क्योंकि सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत ही अपेक्षा है कि वही सिंगर, वही जो ग्रेट सिंगर का मूड वापस हम लाए, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है हमारे टॉक शो का, आ जाते बिल्कुल वही गायकी में। मेरे हिसाब से अगर मैं पूछना चाहूंगा तो ये बहुत सवाल भी घटिया लगेगा, लेकिन फिर भी मुझे पूछना पड़ेगा, आपने अभी तक गाए हुए सभी गानों में से कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? बिल्कुल बकवास सवाल, लेकिन अच्छा आंसर। नहीं, बकवास सवाल तो नहीं, बाकी दोस्तों मैं आपको एक चीज आपके साथ शेयर जरूर करना चाहता हूं कि अभी तक का जो हम लोग का इंटरव्यू हुआ है, यही है फिल्म कुछ करिए, यही रीजन था उसे एक्सेप्ट करने का। इस फिल्म का एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हमने साइन किया, जो सुखविंदर सिंह से इतना बड़ा है कि जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है, वो है इस फिल्म के विचार। अच्छे विचार कभी मरते नहीं, अच्छे विचार ही इस फिल्म के हीरो हैं, हम सिर्फ शेयर करेंगे आपके साथ, और जो बातचीत हुई है फिल्म यही कह रही है। इस फिल्म का जो गाना जिसकी वजह से मैंने एक्सेप्ट की फिल्म एज एन एक्टर, मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगा। प्लीज। जमी को चीर दे, आसमां को फाड़ दे, जमी को चीर दे, आसमां को फाड़ दे,
उसूलों को परवाज दे, मुश्किलें गाड़ दे, जमी को चीर दे, आसमां को फाड़ दे। मतलब ये जो बेस है बिल्कुल, उसूलों को परवाज दे, मुश्किलें गाड़ दे, जमी को चीर दे, आसमां को फाड़ दे, मुश्किलें गाड़ दे। मुश्किल को तो मुश्किल है मुश्किल से समझना, मुश्किल को तो आसान ही बस मान के लीजिए। और मैं जो महसूस करता हूं वो यही है कि किसी की नेगेटिविटी को जरूरी नहीं कि खत्म किया जाए, समझाया भी जा सकता है। समझाने के लिए शब्द बाण जो है, लेकिन वो बाण होने चाहिए, तीर होने चाहिए, तुक्का नहीं। बदी को दूर करो, बद को नहीं। बदी को, और बदी को दूर करने के लिए मेरे को आज भी विश्वास है कि शब्द बाण जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। मुश्किली के बारे में बताया। कभी 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 कौन सा हादसा हुआ कि जिसमें लगा सुखी जी को कि मैं अकेला पड़ गया हूं? एक ऐसा हादसा शॉर्ट में, कब अकेलापन सबसे ज्यादा महसूस किया अब तक? नहीं, मुश्किल घड़ी अब तक की जो शायद भुला नहीं पाएंगे। नहीं, मेरे से झूठ बोला नहीं जाता, लेकिन मैं सिंपली बोला कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लाइफ बहुत स्मूथ गई है, जो सोचा है वो मिला है। नहीं, सोचा कहाँ? अच्छा, जो आता गया उसको, जो आता गया निभाते गए। एक चीज मैं एक चीज की प्रैक्टिस देवांग जी जरूर करता हूँ, रीचेक। रीचेक यानी अपने आप को सोने से पहले दोबारा चेक कर लेता हूँ। उससे क्या होता है, डबल चेक करना कि अगर कोई मिस्टेक हुई है तो सुबह सबसे पहले उसके अगेन। एक अच्छा सा गाना, क्योंकि लास्ट एक मिनट, एक डेढ़ मिनट है, और मैं चाहूंगा कि वही सुरीले अंदाज में जिसको सब, मतलब सबको पसंद आ जाए और वही मूड में खो जाए। सुखी जी की इतनी सीरियस बातें, संत वाणी में से थोड़ा बाहर आके संगीत वाणी में थोड़ा आ जाए जरा। बस ये बात भी देखो आप ना, मुझे अभी अगर आपने बिल्कुल रोमांटिक मूड में लाना है तो हौले हौले से दुआ लगती है ना, हौले हौले से दवा लगती है ना, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र न गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार। थैंक यू वेरी मच। हौले हौले दर्शक मित्रों, मने लागे छे के आ अर्धो कलाक कार्यक्रम शुरू थयो त्यारथी धीरे धीरे हौले हौले हौले, अगर शायद आपने पहली बार इनको सुना तो भी ऐसे इंसान है कि होले होले इनके साथ भी प्यार होता ही जाएगा। दर्शक मित्रों, आती एक रसप्रद मुलाकात, कारण कि मने ख्याल छे कि ज्यारथी आपे प्रोमोस जोयो हशे कि सुखविंदर सिंह जी साथेनी मुलाकात, त्यारे एक अलग मूड लईने आप प्रोग्राम जोवा बैठा हशो, परंतु क्यांक एक अलग पहलू, एक सिंगर तरीके तो आप बधा ज ओळखता हता, कदाच हूं पण आजे कन्फेस करू छुं, त्यारे आफ्टर हाफ एन अवर शो पत्या पछी क्यांक मारा मनमां फक्त ने फक्त सुखविंदर सिंह माटे एक सिंगर जे बहु सारू गाय छे, परंतु आटली बधी अलग क्वालिटीज, अने एना करता पण वधारे के ज्यारे पोताना स्पष्ट विचारो छे देश माटे, देशना युवानो माटे, आ देशनी राजनीति माटे। थैंक यू वेरी मच सुखी जी, आपने हमको वक्त दिया। दर्शक मित्रों, फरी मळीशु नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी आपसे नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन। Thank you.